हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपने बिजनेस को कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए अपना इंक्रीज कर सकते हो। क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या क्या ऐसी एड्स हैं जिससे आपका बिजनेस बहुत हाई लेवल पर पहुंच सकता है। तो उसके लिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे और आप मेरी आने वाली वीडियोस भी देखते रहें। ठीक है गाइस, तो मैं अब ले चलती हूँ आपको अपने फेसबुक की तरफ। फेसबुक पे जाने से पहले सबसे पहले आपको अपना फेसबुक का अकाउंट खोलना होगा, और आपको ये बात पता ही होगी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम अब एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हैं, और आप कोई भी ऐड लगाओगे तो वो इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। एक और ऑप्शन होता है, अगर आप इंस्टाग्राम पर वो ऐड नहीं दिखाना चाहते तो वो इंस्टाग्राम पर नहीं जाएगी। तो सबसे पहले मैं अपना अकाउंट खोल लेती हूँ। तो कोई भी अकाउंट खोलने से पहले उसका एक बिजनेस अकाउंट बनता है। जैसे ये एक पेज बना हुआ है, और अगर आपने पेज पर ऐड लगानी है तो सबसे पहले आपको इसका बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, इस पेज का बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी वो आपकी ऐड चलेगी, तभी आपकी फेसबुक ऐड चलेगी। ठीक है गाइस, और बिजनेस अकाउंट बनाना बहुत इजी है। आपको जाना है गूगल पर, गूगल पर लिखना है बिजनेस फेसबुक अकाउंट, और वो जो लिंक आएगा तो आपने वहां पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके आपने सारा कुछ फिल करके अपना एक बिजनेस अकाउंट बना लेना है। ठीक है गाइस, और अभी मैं दे चलती हूँ आपको इस अकाउंट के बिजनेस अकाउंट की तरफ। तो ऐड आपकी यहाँ से भी लग सकती है, पर आपका अगर बिजनेस अकाउंट है तो उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि ये सारे बिजनेस अकाउंट बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बिजनेस अकाउंट को खोल लेते हैं। जैसे कि ये खुल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा ये बिजनेस अकाउंट है, उसके ऊपर ये बिजनेस कलर का एक बॉक्स बना होगा और आपको एक आईडी मिलेगी, ये वाली, वो आपके बिजनेस अकाउंट की आईडी होगी। ठीक है, सबसे पहले आपने बिजनेस अकाउंट के आईडी पर क्लिक करना है, और आपको जब आपने कैंपेन क्रिएट करनी है, सबसे पहले ये कैंपेन्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, सबसे पहले जब भी आपने कैंपेन क्रिएट करनी है तो आपने अपना गोल डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा गोल लेना है, कि मुझे लोगों तक अपना ब्रांड पहुंचाना है, कि ब्रांड अवेयरनेस करनी है, या फिर ट्रैफिक बढ़ाना है, या वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने हैं, इंगेजमेंट लानी है, या कन्वर्जन लगानी है। ठीक है, तो एक और ऑप्शन होता है लीड जनरेशन का। उससे आपकी अगर वेबसाइट भी नहीं है तो आप सीधा से अपनी लीड जनरेशन लगा सकते हो और आपको क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है गाइस, सबसे पहले आपको ब्रांड अवेयरनेस के बारे में बता दूं। ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है? जैसे कि आपका नया नया ब्रांड है और आपने नया नया अपने मार्केट पे पैर रखा है, और सबसे पहले आपको ब्रांड अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे क्या होगा आपके ब्रांड के बारे में लोग जानेंगे। जैसे ही आप ये ऐड लगाते हो तो आपके ब्रांड के बारे में लोग जानना शुरू करेंगे कि हाँ, कि ये फलाना फलाना ये ब्रांड है। जैसे कि जब टिकटॉक आया था, कोई भी उसको नहीं जानता था, तो टिकटॉक धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उसने अपनी पकड़ पकड़ ली थी, क्योंकि उसकी अलग अलग एड्स लगी थी, उसके ब्रांड अवेयरनेस एड्स लगी थी, उसके रीच एड्स लगी थी, तो अलग अलग ऐड करके वो अपनी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया था। ठीक है, अभी तो इंडिया में टिकटॉक बिल्कुल बंद हो चुका है, पर उसकी ब्रांड अवेयरनेस के कारण वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। अगर आप ये ऐड लगाते हो तो सबसे पहले आपका ब्रांड, सबसे पहले ऐड हमें यही लगानी चाहिए कि आपके ब्रांड के बारे में लोगों को पता चले। सिर्फ इसमें पता लगने की बात होती है, उससे आपको बिजनेस भी आ सकता है। लोग जानेंगे तो उनको पता लगेगा कि ये बिजनेस आप दे रहे हो, तो वो आपकी तरफ आना शुरू होंगे। अगर उनको वो चीज़ चाहिए होगी जो आप सेल कर रहे हो, तो वो आपके बिजनेस की तरफ आएंगे। नेक्स्ट है रीच। अगर आप अपने बिजनेस की रीच
अगर आप लोकल रीच रखना चाहते हो या फिर ग्लोबली रीच रखना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है, पर अगर आप अपने आप ग्लोबली भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। अगर आप रीच रखोगे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी आप अपनी रीच रख सकते हो। 30 माइल्स, 40 माइल्स, लोकेशंस बार बार चेंज कर सकते हो। एड जब चल रही है उस वक्त भी आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो। ठीक है गाइस, आप इस तरह अपनी रीच बहुत हाई लेवल पर भी पहुंचा सकते हो। जैसे आप इंडिया में हो, इंडिया से आप कनाडा से बिजनेस लाना चाहते हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया से, या फिर अमेरिका से, आप कहीं से भी बिजनेस ला सकते हो अगर आपके पास ये रीच का ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ट्रैफिक का। ट्रैफिक बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये एड लगती है ट्रैफिक। जैसे कि आपको चाहिए कि आपके पेज पर बहुत सारा ट्रैफिक आए और आपके पेज पर लाइक्स, एंगेजमेंट बढ़े, तो ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपके पेज पर ट्रैफिक बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है आपको बिजनेस आएगा ही आएगा। फिर आता है एंगेजमेंट। जितनी ज़्यादा आप इंगेजमेंट, किसी कोई पोस्ट आप करते हो, जैसे आपने कोई इवेंट पोस्ट किया या फिर आपने कोई डिस्काउंट पोस्ट किया, तो अगर आप चाहते हो कि उसमें इंगेजमेंट आए, तो इंगेजमेंट आने के लिए सबसे पहले आपको बेनिफिट होगा ये वाली एड लगाना कि आपको इंगेजमेंट आएगी। तो अगर आपको इंगेजमेंट आ रही है तो आपके पास क्लाइंट्स भी आएंगे अपने आप से। ये सारी सारी जो एड्स हैं वो आपको क्लाइंट्स ही लेके आएंगी। मतलब कि हर तरफ से आपको ये क्लाइंट्स ही मिलेंगे। ये जरूरी नहीं होता कि हर एड से आपको क्लाइंट्स ही मिले, पर आपका कुछ ना कुछ आपको उसमें बेनिफिट जरूर होता है। और अगर आपकी कोई ऐप है, जैसे आपने कोई न्यू ऐप इंस्टॉल की, इंस्टॉल मतलब न्यू ऐप लॉन्च की है, तो आप उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हो और लोगों तक पहुंचाकर उनको कहना चाहते हो कि मेरी ऐप को इंस्टॉल करो, तो आपके लिए वो वाली ऐप, ये वाली जो ऐड है वो काम में आएगी। ठीक है, और अगर आप अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाना चाहते हो, जैसे आपका वीडियो का ही पेज है फेसबुक पर, तो आपको वीडियो के व्यूज के लिए ऐड लगानी होगी। ठीक है गाइस, उसके बाद लीड जनरेशन के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक दे दूंगी। बिल्कुल अच्छे से मैंने ये भी बताया हुआ है कि कैसे कैसे आपने लीड जनरेशन ऐड लगानी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, कैसे लोकेशन सेलेक्ट करनी है, कैसे अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करना है जिससे आपको लीड्स मिलेंगी। और वाकई में ही इससे मिलती हैं लीड्स। ये नहीं कि आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, पर आपकी आपकी एक लीड कितने की पड़ रही है वो आपकी एड की क्वालिटी, आपकी इमेज और आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट एजुकेशन बेस्ड है या फिर क्लोथ्स बेस्ड है, तो आपको लीड्स बहुत बढ़ के आएंगी, बहुत अच्छे से लीड्स आएंगी। ठीक है, ये जो कन्वर्जन्स होता है ये उन चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि किसी का ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ाने के लिए वो अपना ये वाला कन्वर्जन पूरा बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। कैटलॉग सेल्स, जो कैटलॉग्स की सेल्स लगती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे 15 अगस्त की सेल लग रही है या फिर अमेजोन पे 15 अगस्त की सेल लग रही है, तो ये सारी एड्स आपको इसी बॉक्स से मिलेगी। आपको बस अपने कैटलॉग सेल्स इसमें डालनी है तो आपका ऐड चलेगा। मैं एक एक करके आपको ये ऐड कैसे चलती हैं ये भी बताऊंगी अपनी आने वाली वीडियोस में। ठीक है गाइस, और अगर आपने आपका कोई स्टोर है किसी भी लोकेशन पर है, आपको उसका ट्रैफिक बढ़ाना है, तो आप स्टोर ट्रैफिक का ऐड लगा सकते हो। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज मेरे लिए छोड़ सकते हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी और आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूंगी। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा कि कैसे कैसे आपने ऐड लगानी है, किस 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 तरह की आपको ऐड लगानी चाहिए और आपके बिजनेस के लिए कौन सी ऐड बेनिफिशियल रहेगी, ये आपको ही देखना होगा। आपको ही ये गोल डिसाइड करना होगा, ये ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करना होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं डिसाइड किया तो आपका जो पैसा है वो बर्बाद हो सकता है, अगर आपने ये पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव नहीं डिसाइड करोगे। ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल टेक मनीषा और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई